जो नहीं पसंद है, एक अभिषेक, ईशा नहीं पसंद है क्योंकि वो थोड़ी सी फेक कर रही है, पब्लिक को दिखा कुछ और रही है कुछ और। अभिषेक बहुत वाहियात खेल रहा है, उसको लड़कियों की इज्जत नहीं करने आती है, वो दिखा रहा है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बाहर ये हूँ, मैं बाहर वो हूँ। मनीषा जी टेलीवाइज में आपका स्वागत है, कैसी हैं आप? मस्त। मनीषा जी आपको कहीं ना कहीं फैंस बहुत मिस कर रहे हैं, बिग बॉस 17 में उम्मीद कर रहे थे फैंस आपको देखेंगे, आप बिग बॉस 17 में क्यों नहीं? पता नहीं, क्योंकि आई डोंट नो, शायद बिग बॉस क्योंकि मेरा ऐसा है कि फिलहाल हम लोग बिग बॉस ODT से निकले हैं और इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है तो अभी तुरंत बिग बॉस तो नहीं करना था, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 2 महीने बाद ही दूसरा बिग बॉस स्टार्ट हो गया, तो इन फ्यूचर जब भी बिग बॉस में ऐसा कभी मिलेगा मौका तो ज़रूर जाएंगे, बट फिलहाल के लिए इतना जो प्यार मिला है उसको, एक होता ना अभी काम भी मिल रहा है प्यार भी मिल रहा है, तो था कि चलो अभी ये सब समेट लेते हैं, फिर इन फ्यूचर में जब फेम थोड़ा ऐसा कुछ होता है कि हाँ फिर से कुछ करना होगा तो फिर बिग बॉस 17 में जाएंगे, आगे जाएंगे। सॉरी, ओके, बिग बॉस 17 आप दोनों कितना फॉलो कर रहे हो, किसे सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो बिल्कुल नहीं देख रहे, सच्ची इसको बताया, हम तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे, बाकी ये विशाल शायद देख रहा है, विशाल बताएगा। मैं देख रहा हूँ, मैं बीच में छूट गया था, मतलब स्टार्टिंग से छूटा था मेरा, बीच में एक ही दिन में 3-4 एपिसोड कंप्लीट किया, तो सब देखा समझा क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ लोग अच्छे लग रहे हैं, कुछ लोग नहीं अच्छे लग रहे, जो अच्छे लग रहे हैं वो है मुनव्वर, मनारा और जैद, क्या नाम है, खानजादी। और ये लोग, ये तीनों मुझे इसलिए पसंद है ना, ये लोग क्योंकि ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट बात करने से। मनीषा थी बिग बॉस के अंदर, जो थी वो सच थी, आज इसको आप बाहर भी देखोगे तो ये वही मनीषा है जो बिग बॉस के अंदर थी, और बिग बॉस के अंदर भी देखे थे तो वही मनीषा थी जो बिग बॉस के बाहर थी। तो मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो ना कैमरे को नहीं सोचते हैं, ये कैमरा है तो मैं ये बन जाऊँ और नहीं है तो मैं ये बन जाऊँ, तो ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद हैं, इसलिए थक रही क्या। तो मुझे ये तीनों पसंद है, और जो नहीं पसंद है, एक अभिषेक, ईशा नहीं पसंद है क्योंकि वो थोड़ी सी फेक कर रही है, पब्लिक को दिखा कुछ और रही है कुछ और। ठीक है, वो बिग बॉस जाने से पहले कुछ टाइम पहले हम लोगों से मिली थी एक जगह एयरपोर्ट पे, तो वो जिस तरीके से स्वीटनेस दिखा करके वो बात कर रही थी, लगा था कि बहुत अच्छा करेगी कुछ, बट अंदर जाने के बाद सच्चाई सामने आ रही है, कोई अच्छा नहीं कर रहा है। एक अंकिता लोखंडे हैं, वो भी अच्छा नहीं कर रही हैं, उनके पति, ये लोग अगर पति पत्नी वाला गेम ही खेलना था तो घर के अंदर, अपने घर में रहना चाहिए था, बिग बॉस के घर में नहीं आना चाहिए था। आप एंटरटेन करो, आप किसी को डिप्लोमेट बन करके, डिप्लोमेटिक आंसर्स दे करके और बिहेवियर दिखा करके आप बिग बॉस का शो नहीं जीत पाओगे, कुछ दिन टिकोगे बाहर आ जाओगे। तीन ही लोग अच्छा कर रहे हैं, अभिषेक बहुत वाहियात खेल रहा है, उसको लड़कियों की इज्जत नहीं करने आती है, वो दिखा रहा है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बाहर ये हूँ, मैं बाहर वो हूँ, ये सब सिर्फ कैमरे के सामने अच्छा लगता है, जब आप बाहर आकर के ये सब चीज़ें बोलोगे ना किसी अच्छे इंसान के सामने कि मैं ये हूँ मैं वो कर दूंगा, तो 2 मिनट के अंदर आंसर निकल जाएगा, हम जैसे रहेंगे तो तुरंत आंसर दे देंगे वहीं पे। तो ऐसा है, मनीषा आपसे जानना चाहेंगे, आपने थोड़ा भी फॉलो नहीं किया या कोई क्लिप नहीं देखा हो? हाँ, थोड़ा बहुत जो इंस्टा पे आता है ना, बस थोड़ा बहुत वो मैंने देखा है, बाकी फिर कुछ भी नहीं देखा, मतलब सीजन तो बिल्कुल हो गई है, अभी कहाँ टाइम है इसके बाद, बिजी पर्सनालिटी हुआ ब्रो। हाँ सच में थोड़ा बिजी, इसलिए इवन अपना हम लोग शो देखे ही नहीं बिग बॉस से निकलने के बाद की। एक होता ना कि हाँ मेरा था कि पहले निकल के खुद का सारा एपिसोड देखना है, बट एक भी नहीं देखे, तो वही कि इंस्टा पे जब कभी स्क्रॉल करते तो बिग बॉस 17 का आ जाता है तो उससे ही जाने हैं, तो सॉरी तो उससे ही जाने, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ओके, टॉकिंग अबाउट योर सीजन, कहीं ना कहीं फैंस जो है आपके सीजन को और इस सीजन को कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सीजन लाख बेटर था बिग बॉस ओटीटी, आप कितना लाख नहीं 10 लाख गुना बेटर था वो सीजन, मुझे लग रहा है आ भी ना पाएगा, जब मैं जाऊंगा तब आएगा। नहीं, मुझे देखिए, अब अपने मुंह से खुद का तारीफ करना, आई थिंक जो सीज़न अच्छा होता है या फिर जो कंटेस्टेंट सबके फेवरेट होते हैं वो जनता उसका तारीफ कर देता है, तो अपने मुंह से अपना क्या ही तारीफ करना, बस वही है कि हाँ अगर जनता ऐसा कुछ बोल रही है तो फिर ठीक है, हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि बिग बॉस एक बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा रियलिटी शो है जिसको पूरा इंडिया फॉलो करता है और वो देखता है, और हर साल नए कंटेस्टेंट आते हैं और हर साल कुछ नया सीज़न आता है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि सारा सीज़न एकदम हर सीज़न की तरह हिट हो या फिर सारे कंटेस्टेंट इतने ही फेवरेट बने, तो मुझे लगता है कि कुछ कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं जो छाप छोड़ जाते हैं और दिल में जगह बना लेते हैं, आई थिंक आई एम वन ऑफ दैम, और तो वही है कि अब फिर अपना क्या ही बोले। आप इंग्लिश नहीं समझे, मेरा बात समझिए, मतलब अब ऐसा इस बात में हम घमंड करें कि मेरे जैसे कंटेस्टेंट कोई, मतलब दम कर, अरे हाँ घमंड है कि मेरे जैसे कोई आई नहीं थी, बट और भी अच्छे अच्छे लोग भी तो आए थे ना, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला, सहनाज गिल, और फिर ये जो भाभी जी घर पे थी वो भी मुझे बहुत पसंद थी, हासिल पसंद थे, तो ये भी अपनी जगह, हाँ तो वही है ना, तो इसलिए बोल रहे, अरे यार हो गया ठीक है, हाँ 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 मेरा जैसा
अंशानी जिंदाबाद। विशाल आखिरी सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे, बिग बॉस 17 के लिए आपका नाम सामने आया था तो आपको मेकर्स ने अप्रोच आया ही नहीं है सर नाम सामने, मैंने कभी नहीं बोला है सर, अगर भगवान करे जल्दी आए मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक आया नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेट्स सी देखते हैं, आएगा तो जरूर, कौन मना करता है इतने बड़े शो के लिए, पता नहीं, लेट्स सी देखते हैं। हम बताना चाहेंगे कि बिग बॉस विशाल का भी ड्रीम है करना, और मुझे ऐसा फील होता है कि ये भी कहीं ना कहीं बिग बॉस के लिए बना हुआ है, और मुझे लगता है कि जिस दिन ये बिग बॉस जाएगा उस दिन हिला के रख देगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और डंके की चोट में खेलने वाला, और मनीषा रानी का दोस्त तो यार मनीषा रानी जैसा ही होता है ना, मस्त ऑनेस्ट रियल, और जो भी करेगा दिल से करेगा, तो मुझे ऐसा फील होता है कि आने वाले सालों में ये कभी ना कभी बिग बॉस में ज़रूर जाएगा, और जिस दिन भी जाएगा रॉक कर देगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट के ऊपर मैंने एक व्लॉग बनाया है, मेरे चैनल का पहला व्लॉग कल आएगा 11-12 के बीच में, आप लोग देखिए, उसको प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए और टेलीबाइट्स को फॉलो कीजिए। Thank you so much. Bye. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.